स्टूडेंट वेलकम एक्सरसाइज 9.4 मल्टीप्लाई द बाइनोमियल बाय मतलब आपके दो टर्म्स वाला ठीक है द्विपद हिंदी में बोलते हैं इसको द्विपद ठीक है इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल हिंदी में बोलते हैं द्विपद। हाँ ये आपके पास है ना टू टर्म्स वाला ये भी टू टर्म्स वाला है ये दोनों ही द्विपद हैं है ना बाइनोमियल है इनको इंटू करना है कैसे करना है देखो एक एक टर्म लेंगे पहले हम ये टर्म ले लेते हैं फिर इससे और इससे दोनों से इंटू करते हैं देखिए 4 × 2 = 8 एक्स इंटू एक्स पावर ऐड होंगे ना 1 और 1 पावर क्योंकि बेस सेम है ना तो ये 2 पावर हो गई। नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 2 = 6 और एक्स नाउ प्लस इंटू प्लस प्लस 5 × 4 = 20 और इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 5 × 3 = 15। नाउ ये दोनों लाइक टर्म है एक जैसी है तो ये एक साथ सॉल्व होगी और एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये एक बार ऐसे एज इट इज लिख दी जाएगी माइनस 15 को भी एज इट इज लिख दिया जाएगा इन्हें सॉल्व करने पे एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा 20 में से सिर्फ 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 14 और ये एक्स की टर्म है तो 14x 20 और 6 का कंपैरिजन करने पे 20 बड़ा नंबर है 20 का साइन यहाँ प्लस है तो इसलिए 14x का भी साइन यहाँ पे प्लस आएगा तो ये आपके 8x² प्लस 14x माइनस 15 इनके प्रोडक्ट का आंसर आ गया। नाउ इन दोनों को अब इंटू करना है दोनों बाइनोमियल है द्विपद है y × 3y तो 3 इसका कोफिशियंट इसका गुणांक कितना है कुछ भी नहीं लिखा तो 1 3 = 3 और y × y देखिए कैसे इंटू होगा भाई बेस सेम है आधार समान है पावर ऐड होगी 1 और 1 पावर पावर में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 और 1 पावर। नाउ y × -4 माइनस का 4y ओके माइनस इंटू प्लस माइनस 8 × 3 = 24 और इंटू में y भी है माइनस इंटू माइनस प्लस 8 × 4 = 32। नाउ 3y की और कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज 32 एक नंबर और कोई अदर नंबर नहीं है तो ये एज इट इज इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोनों नेगेटिव हैं है ना सेम साइन है तो ऐड हो जाएगी ऐड कौन होते हैं कोफिशियंट 24 और 4 = 28 और ये किसकी टर्म है y की तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया ये 3y² - 28y + 32। नाउ 2.5 × 2.5 है ना देखो हम 25 का स्क्वायर पता है 625 होता है तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6.25 L × L है ना बेस सेम है आधार समान है पावर जुड़ जाएगी तो 1 और 1 पावर 2 पावर देखो जब भी कोई पावर में कुछ नंबर नहीं लिखा इसका मतलब 1 है ना ऐसे ही कोफिशियंट में अगर कोई नंबर नहीं लिखा गुणांक में कोई नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। सो नाउ 2.5 L × 0.5 है ना हम 25 का पता है हमें कितना होता है 125 तो 2.5 × 0.5 होता है आपका 1.25 और L × M प्लस ओके नाउ माइनस इंटू प्लस माइनस 2.5 × 0.5 होता है 1.25 और L × M है ना LM नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस ठीक है हमें 5 का स्क्वायर पता है 25 होता है तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया 0.25 m² ओके नाउ L² की और कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज m² की और कोई टर्म नहीं है ये एज इट इज ठीक है नाउ LM और LM ठीक है ये अपोजिट साइन के और सेम वैल्यू इनका कोफिशियंट सेम है इनका गुणांक सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये आपकी कोई टर्म नहीं बची तो ओनली 2 टर्म्स ही बची आपकी तो आपका आंसर आ गया 6.25 L² - 0.25 m² ओके a + 3b × x + 5 a × x ax ओके ए इंटू प्लस का 5 a नाउ प्लस का 3b × x क्यों क्योंकि देखिए इसका कोफिशियंट 1 है 1 × 3 = 3 और फिर b × x भी x क्योंकि ये दोनों वेरिएबल एच आर हैं है ना प्लस इंटू प्लस प्लस
थ्री इंटू फाइव 15 और साथ में इंटू है बी भी, ठीक है। अब आप देखें ये ए एक्स अलग टर्म है ना, ए फाइव ए वाली अलग टर्म है, बी एक्स की अलग टर्म है और बी की अलग टर्म है, तो इसके कोई भी सेम टर्म नहीं है, तो एज इट इज़ यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नाउ टू इंटू थ्री सिक्स, पी इंटू पी पावर ऐड होगी क्योंकि बेस सेम है, आधार समान है, तो घाते जुड़ती हैं, वन और वन पावर टू पावर, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस, टू टू जो फोर, अब पी की कोई टर्म नहीं है, ए की टर्म है ये, तो ये एज इट इज ये लिख दी जाएगी, क्यू इंटू क्यू टू पावर और वन पावर ऐड होके हो जाएगी थ्री पावर। नाउ प्लस इंटू प्लस प्लस, थ्री थ्री जो नाइन, एंड पी एज इट इज क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यू की पावर थ्री। नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस, थ्री टू जो सिक्स, क्यू की पावर टू इंटू क्यू की पावर टू, तो टू प्लस टू फोर, क्यू की पावर फोर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों टर्म आप देख रहे हैं पी क्यू क्यूब की है, पी क्यू क्यूब की है, तो इनको सॉल्व करेंगे। ये वाली फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, सब्ट्रैक्शन, नाइन में से फोर गए फाइव, और ये पी क्यू क्यूब की आपकी इक्वेशन, और ये एज इट इज। अब इसका साइन क्या होगा, देखिए नाइन बड़ा है, फोर के कंपैरिजन में नाइन का साइन यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो इस फाइव पी क्यू है ना क्यूब का साइन भी क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये आपका फाइनल इनके प्रोडक्ट का आंसर आ गया। नाउ अब इनको इंटू करना है, पहले देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे मोनोमियल यानी एक पद और बाइनोमियल का प्रोडक्ट करते हैं, फोर इंटू ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर टू जा एट अपॉन थ्री बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये भी बाइनोमियल बन गया, ये भी बाइनोमियल, द्विपद द्विपद, कैसे पता लगा, सेपरेशन साइन है, विभक्त करने वाले चिन्ह हैं इनके बीच में प्लस माइनस के, तो अब इनको इंटू करते हैं। नाउ थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इंटू फोर ए स्क्वायर, देखो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व अपॉन में फोर, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो क्या कंसीडर करेंगे, क्या मानेंगे, वन, बिकॉज होल नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में भिन्न के रूप में ये लिखा जा सकता है। फोर को हम फ्रैक्शन भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, फोर अपॉन वन, क्योंकि वन से डिवाइड करने पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक होल नंबर ही है, लेकिन इसके है ना फेस चेंज कर दिया बस हमने, दिखने में अब ये फोर अपॉन वन है। क्यों फोर अपॉन वन लिखा, क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन से इंटू करना है, इसे भिन्न से इंटू करना है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, अंश इंटू अंश, फोर थ्री जो ट्वेल्व, फोर इंटू वन, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, हर इंटू हर अपॉन फोर, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है ना, बेस सेम है, आधार समान है, पावर जुड़ जाएगी टू प्लस टू फोर पावर। नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस, एट थ्री जो ट्वेंटी फोर एंड फोर थ्री जो ट्वेल्व एंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट प्लस इंटू प्लस प्लस, फोर थ्री जो ट्वेल्व, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नाउ जैसे हमने फोर को फोर अपॉन वन लिखा था, ऐसे हम इस थ्री को थ्री अपॉन वन लिखेंगे है ना, क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन से इसको इंटू करना है, तो इस तरह से हम इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे तो मल्टीप्लाई ईजी रहेगा मान लिए। नाउ थ्री इंटू माइनस एट माइनस ट्वेंटी फोर एंड वन इंटू थ्री थ्री, ओके, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बेस से मैं आधार समान पावर जुड़ जाएगी है ना, घाते जुड़ जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो टू प्लस टू फोर पावर हो गई। नाउ सिंप्लीफाइड करते हैं, फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो सिंप्लीफाइड हो जाएंगे ये, फोर से हो रहे हैं, फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा, तो ये हो गया थ्री टाइम्स गया, तो थ्री ए रेज टू पावर फोर, एंड ये ट्वेल्व की टेबल से, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, तो टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या थ्री की टेबल से, थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा एट टाइम्स बी की पावर फोर। ये देखिए सेम टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, सॉल्व करेंगे एक प्लस की एक माइनस की, तो सब्ट्रैक्शन, और ये तो एज इट इज आ जाएगी थ्री ए की पावर फोर, यहाँ ट्वेल्व में से टू सब्ट्रैक्ट किया तो टेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ट्वेल्व बड़ा है टू के कंपेरिजन में, ट्वेल्व का साइन यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो इस टेन का साइन भी प्लस का आएगा, एंड माइनस एट बी रेज टू पावर
4। ये आपका फाइनल आंसर। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फिनिश हो गया। सो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।